हाय गाइस, तो आज हमारा टॉपिक है डाईपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। डाईपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, ओके। और ये जो है ये फोटोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और इससे हमेशा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्चुअली गेट 2004 में आया हुआ है, उसके थ्रू हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन है, ये एक फिनाइल कर रही है, ठीक है, यहाँ ऐसे है ये, ओके। और ये कंडीशन यहाँ है, ये एच न्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये डाईपाई मीथेन रीअरेंजमेंट है, उसमें हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि एक डबल, दो डबल बॉन्ड होगा और उसके बीच वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब यहाँ अनसैचुरेशन होगा और बीच में एक सैचुरेटेड कार्बन। अगर आप ध्यान से इस रिएक्टेंट के सबस्ट्रेट को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी अनसैचुरेशन है और यहाँ sp3 कार्बन है, पर ये आप प्रोडक्ट देख के समझ सकते हैं कि मतलब कौन से वाले पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो आप प्रोडक्ट देख के ही समझ सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इसके लिए हम लोग बेटर है कि इसको pH के फॉर्म में लिख लें ना, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए, ओके। इसको हमने ऐसे लिखा, ये इधर pH है, ये इधर pH है, ओके। अब यहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन, ओके। अब देखिए, ये है होमोलिटिक, जैसे हमने बताया था प्रीवियस वीडियोस में, होमोलिटिक लेवल, ओके। तो ये ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ दो pH है, ओके। अब बात यह हो, ये होता है ना कि यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बनता है। ये डाईपाई मीथेन रीअरेंजमेंट को हम लोग कई बार ना लूमिकीटोन से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पर वैसे भी उसमें कीटोन है, पर डाईपाई मीथेन रीअरेंजमेंट में ये होता है ना कि इसमें साइक्लोप्रोपेन बनता है। देखिए, ये वाला यहाँ ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दो फ्री रेडिकल बचा, अब यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को दिखना पड़ेगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करे या ये बॉन्ड। अगर हम लोग ये बॉन्ड क्लीव करते हैं, फिर भी वही प्रोडक्ट है, उधर भी सेम प्रोडक्ट है, पर अगर ऐसा नहीं हो ना, तो फिर हम लोग इस हिसाब से ब्रेक, वो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इन दोनों में से, जिससे क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। मतलब अगर वो हम दिखा देंगे आपको दूसरे एग्जाम्पल में, तो अभी हम सोच रहे हैं कि ये वाला ब्रेक कर दिए, ये वाला क्लीव कर दिए, सॉरी। तो क्या बनेगा, देखिए, ये ऐसे था, यहाँ तो फ्री रेडिकल था, यहाँ फ्री रेडिकल था, ओके। और ये वाला ऐसे है, pH है यहाँ पे, pH है, और ये इसकी क्लेवेज क्या, होमोलिटिक क्लेवेज क्या, से यहाँ बना एक फ्री रेडिकल और एक यहाँ बना, ओके। तो अब हम लोग इस स्टेप में क्या करेंगे, इसको तो ज्वाइन कर देंगे, ये क्या बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा, ये इधर होगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे, pH, फ्री रेडिकल हट गया, ये है प्रोडक्ट, ओके। एक और चीज़ है कि अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे शॉर्ट्स में, या हम बता देंगे, तो उसमें ये होगा ना कि इसमें या यहाँ पे तो सेम है, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जिधर अनस्टेबल होता है ना, अनस्टेबल पहले रिएक्ट करेगा। अगर ये फ्री रेडिकल इस तरफ अनस्टेबल होता अगर, तो इधर वाला ब्रेक करता, ताकि ये पहले फॉर्म करता, ये हम आपको बता देंगे, ओके, शॉर्ट्स के थ्रू या कैसे भी एग्जाम्पल बता देंगे एक, ओके। एक ऑक्सोडाईपाई मीथेन रीअरेंजमेंट है, ऑक्साडाईपाई मीथेन, उसके थ्रू भी ये समझा जा सकता है। तो अभी के लिए यही, इतना ही, फिर हम नेक्स्ट इसमें बता देंगे इसका एग्जाम्पल। थैंक यू।